उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाने लगा है। इसे इस प्रदेश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। उत्तराखंड में हर साल आपदा लोगों को जख्म दे जाती है। विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने इस पहाड़ी राज्य के पहाड़ों को छलनी कर दिया है। पिथौरागढ़ जिले के मनगढ़ गांव में आपदा ने लोगों को ऐसे जख्म दिए कि वो इस त्रासदी को भूल नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि आपदा प्रभावित 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने घर जमींदोज होने पर खाना पीना तक छोड़ दिया है। बीते दिनों मनगढ़ गांव में खड़िया खनन से भूस्खलन होने से मनगढ़ गांव में 7 मकान जमींदोज हो गए थे। एक दर्जन घर खतरे की जद में आ गए। उस दौरान प्रशासन ने समय रहते ही सभी घरों को खाली कर दिया था, जिससे बड़ा और भीषण हादसा होने से टल गया था। वहीं ग्रामीणों की आंखों के सामने ही उनके आशियाने बह और टूट गए थे। मेरा मकान अच्छी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मेरे अंदर जो भी सामान था वो पूर्ण तरह से दब चुका है। मैं आभूषण सहित मेरी 92 साल की बुढ़ी अब माता जी है, वो तब से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब मैं उनकी अंत्येष्टि भी कहाँ पे करूँ। न मेरे इस गाँव में जमीन है और न मेरे पास कोई आय का स्रोत है। मेरे वहाँ पर बाग बगीचा था, उसी से सब्जियाँ उत्पन्न करके मैं अपने दरगुजर करता था, अपना भरण पोषण करता था। न मेरे पास अब जमीन है, न मेरे पास अब घर है। अब मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और गांव में ऐसे भटक भटक के अपने दिनों को कट रहा हूँ। और शासन प्रशासन से मैं बार बार गुहार लगा चुका हूँ कि मुझे विस्थापित किया जाए और मुझे घर दिया जाए, घर के लिए जमीन दी जाए। मेरे पास जमीन भी इस गाँव में उपलब्ध नहीं है। क्या बताएं, हमारे पहले यहाँ कितना बारिश हुई यहाँ, लेकिन कभी कोई चीज़ नहीं हुआ। ये खड़िया खनन की वजह से हमारा पूरा खेत में पूरा गांव बर्बाद होने वाला, पूरा ही गांव। अभी तो 7 मकान तो टूट गए हैं और 7 मकान टूटने वाले हैं। अभी उनके घर के अंदर नहीं रहना बोला, तुम कहीं गांव में किराए में रहो बोला, गांव में किराए में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका है साहब। हम लोग इसमें सिर्फ रहने के लिए, एक परिवार के रहने के लिए अपने रहने भर का बनाते हैं। अभी हम उस पर कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, और कभी भी वो बोल सकते हैं बोला भाई हमारे घर से आप निकलो, फिर हम कहाँ जाएँगे। हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है, हम कहाँ जाएंगे। अभी बोला तुम्हारी छत है, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम हमारी व्यवस्था तो की जाए। आपदा प्रभावित मनगढ़ गांव में 9 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। अभी भी ग्रामीणों को आपदा का डर सता रहा है। हल्की बारिश होने पर ग्रामीण सहम जाते हैं। गाँव में 7 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ऐसे में आशियाना बिखर जाने से आपदा प्रभावितों के आंसू नहीं थम रहे हैं। आपदा प्रभावित 92 वर्षीय विशुली देवी अपने सामने अपना मकान जमींदोज होने के बाद इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। विशुली देवी ने खाना पीना छोड़ दिया है, उनके परिवार ने गांव में ही शरण ली है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन भी लोगों को कोई आस नहीं बधा पाया है। 12 तारीख को हमारे गांव में आपदा आई। आपदा आते ही मैंने तुरंत एक छोटे अपने उनसे लेके बड़े कर्मचारी तक मैंने फोन द्वारा संपर्क किया। उनसे उनको मैंने गांव में आने के लिए कहा। गांव में आए, उन्होंने निरीक्षण किया, देखभाल किया, मगर आज तक हमारे जो ये इतने घर बर्बाद हो चुके हैं उनको कोई ऐसी उन्होंने वो देखे नहीं गए कि उनको आश्वासन ये नहीं दिया कि तुम्हारे लिए व्यवस्था की जाएगी या उनका कोई ठिकाना नहीं हुआ। ऐसे हमने टेम्परेरी व्यवस्था बना रखी गाँव में, किसी के घर में जानवर बांधे हैं तो किसी के घर में उनके रहने की व्यवस्था बना रखी है। वो लोग बहुत परेशान हैं और उनमें से 2-4 गरीब भाई ऐसे जो बीपीएल परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी कंडीशन इतनी खराब रही, उनको हम हॉस्पिटल जो ले जाएं या उनके बच्चों की देखरेख जो करें या गांव की देखरेख जो करें। प्रशासन आ रही है, जा रही है और कोई हमें पक्का वो नहीं मिल रहा है कि इन भाइयों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी या इनका क्या ठिकाना होगा। पिथौरागढ़ के मनगढ़ गाँव की आपदा के बाद भी हुकूमतें बेपरवाह बनी हुई हैं। गाँव की कई जिंदगियां एक त्रासदी के जख्म को ढोने पर मजबूर हैं। पिथौरागढ़ से ईटीवी भारत के लिए प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट।